जी बेटा मुझे अभी भी डिस्टर्बिंग वॉइसेस आ रही हैं, अगर आप काइंडली अपने जो है ना माइक ऑफ कर लें तो ये मेरे लिए बड़ी आसानी हो जाएगी, बजाय इसके कि मैं आपकी जो है ना यहाँ से रिस्ट्रिक्शन करूँ और आपके जो है ना सबके माइक ऑफ कर। समी साइम इकबाल बेटा आपका माइक क्यों ऑन है, मैं आपको कितनी दफा कहूँ यार, ठीक है बेटा। तो ये आपका हो गया, जब आपने व्यूज ऑर्थोगोनल व्यूज ड्रॉ करने हैं ड्राइंग शीट के ऊपर तो आपको इस तरह से डिवीजन चाहिए। ये मैंने आपको फार्मूलाज बता दिए हैं, वो आपने जेन मशीन कर लेने हैं, उनको आपको बार बार यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद आपने जो दरमियान में फ्रंट व्यू साइड व्यू और टॉप व्यू है, ये आपको तीन जब इसकी जो है ना वो पार्टीशन मिल जाएंगी, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने अब जो है ना ये आपके पास फाइनल शीट की जो है ना वो शक्ल आ जाएगी। बाकी सारी लाइंस आपने मिटा दी, फ्रंट व्यू साइड व्यू और टॉप व्यू के लिए आपके पास तीन जो है ना वो जगह अवेलेबल हो गई, और साथ में आपके पास आपने टाइटल ब्लॉक भी बना लिया हुआ है, सही है। तो ये आपके पास जो शेप है ये आपकी फाइनल ड्राइंग की शेप बनेगी, सही है बेटा। अच्छा अब क्वेश्चन आ जाता है फ्रंट व्यू में क्या ड्रा करना है, साइड व्यू में क्या ड्रा करना है और टॉप व्यू में क्या ड्रा करना है। उसके लिए हम जाते हैं हमारी जो आइसोमेट्रिक ड्राइंग है जो हमने यूज करनी है और ड्रॉ करना है उसको, आ जाए बेटा उस पे आ जाए, मैं अभी आपको दिखाता हूं, ठीक है जी। इसमें जो ड्रॉ करने वाला प्रोसेस है उसके लिए आपको जो इनपुट के लिए डाटा मिलेगा वो आइसोमेट्रिक फिगर की फॉर्म में मिलेगा, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। जी बेटा अच्छा मैं अभी आपको दिखाने जा रहा था जो हमने आइसोमेट्रिक ड्राइंग बनानी है, ये बेटा यहाँ पे पड़ी हुई है, एक मिनट जस्ट मुझे आप दीजिएगा। अच्छा जी ये अब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं यहाँ से, ये आ जाए जी न्यू शेयर और इसमें हम डाल लेते हैं ये, ठीक। हाँ जी बेटा आपको ड्राइंग नजर आ रही है सबको, जिसको ड्राइंग नजर आ रही है वो मुझे चैट के अंदर यस लिखेगा ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि कितने लोग हैं जो मेरे साथ एक ही पेज पे हैं। ओके ओके गुड गुड। अच्छा बेटा ये ड्राइंग है इसे हम कहते हैं आइसोमेट्रिक ड्राइंग। आइसोमेट्रिक क्यों कहते हैं, आइसो का मतलब होता है सेम और मीट्रिक जो है ना वो उसका मतलब होता है मेजर, यानी सेम मेजर होते हैं इस आप कह लेंगे ड्राइंग के। कैसे सेम मेजर से क्या मुराद है, यानी जो इसको शो किया गया है इसको जो है वो आप एक्स वाई जेड जो डायरेक्शन है उसके साथ इस व्यू का एंगल सेम होता है। तो आपके समझने के लिए मैं आपको जस्ट ये बता देता हूँ कि ये जो ड्राइंग आप थ्री डायमेंशनल व्यू आपको नजर आ रहे हैं, यानी यहां से आपको आइडिया हो जाता है कि इसका फ्रंट व्यू कैसा है, इसका साइड व्यू कैसा है और इसका टॉप व्यू कैसा है, सही है।
तो इसको देखते हुए ही आपने अपनी ड्राइंग को ड्रॉ करना होता है। यानी आपको सिर्फ ये एक ड्राइंग दी जाएगी, इसमें डायमेंशंस लिखी हुई हैं हर साइड की, उनको यूज करना है और उसको अपनी अपने तीन व्यूज की फॉर्म में आपने इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो है ना वो प्रोसेस कंप्लीट करते हुए ड्राइंग लैब के अंदर व्यूज को ड्रॉ करना है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहता हूँ जी आपने फ्रंट व्यू, साइड व्यू और टॉप व्यू आपने ड्रॉ करना है इसमें से, तो आप क्या करते हो, सबसे पहले आप देखते हो जी फ्रंट व्यू, क्योंकि आपने सबसे पहले डिवीजन करनी है। डिवीजन करने के लिए अगर आप फार्मूला देखो तो आपको क्या चाहिए, फ्रंट व्यू का एक्स चाहिए और साइड व्यू का एक्स चाहिए। ठीक है, फ्रंट व्यू का एक्स क्या बनेगा, कौन बताएगा मुझे साइड पे, यहाँ पे जो है ना चैट के अंदर लिख के बताएं, फ्रंट व्यू में एक्स डायमेंशन की टोटल वैल्यू क्या बनेगी। ठीक है, 70 वाले ठीक हैं, 40 वाले मुझे थोड़ा समझाएंगे ये 40 कैसे बन रहा है। 40 वाले, हाँ मुबीन आप ये देख रहे हो बेटा, ये जो x लिखा हुआ है ना इसको आपने फ्रंट लेना है, ये आप थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज कर रहे हो। आपने हमेशा x उस डायमेंशन को लेना होता है जिसमें मैक्सिमम फीचर्स विजिबल होते हैं, ये बात आप आज नोट कर लो सारे लोग। फ्रंट आपने कैसे डिसाइड करना है कि किसी भी फिगर का या किसी भी ऑब्जेक्ट का फ्रंट व्यू कौन सा है, वो इस बेस पे हम डिफाइन करते हैं, वो वाली साइड या वो वाला व्यू जहां से मैक्सिमम फीचर्स विजिबल हो उसे हम फ्रंट व्यू कहते हैं। ठीक है, और फ्रंट व्यू जब आप डिफाइन कर लेते हो तो आपके लिए ये जो है ना वो इजी हो जाता है कि आपका टॉप व्यू क्या होगा और आपका साइड व्यू क्या होगा। यानी फ्रंट व्यू आपने डिसाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ मैक्सिमम फीचर्स विजिबल, और उसके बाद उसी की बेसिस के ऊपर आपने टॉप व्यू और आपने साइड व्यू डालना होता है। ठीक है बेटा, अब आप मुझे ये बताएंगे कि साइड व्यू का जो एक्स डायमेंशन है वो क्या होगी। बेटा एक्टिव नहीं है आप चैट के अंदर, आप एक्टिव रहेंगे तो मुझे पता चल पाएगा कि आप में से सब लोगों तक मेरी बात सही पहुंच रही है या नहीं। अगर तो आप लोगों तक मेरी बात नहीं पहुंचेगी तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर मैं आपको बता नहीं पाऊंगा ना। चालीस वाले तो ठीक है, लेकिन ये 55 वाले लोग कैसे 55 कर रहे हैं, मुझे ये थोड़ा सा समझाएं, साइड व्यू 55 का कैसे हो रहा है। देखिए जब आप ये सामने आपको नजर आ रही है डायमेंशंस ना, ये आपको फ्रंट व्यू नजर आ रहा है। अब आपको पता है आपने लेफ्ट साइड पे देखना है और राइट साइड पे ड्रॉ करना है। ठीक है, अब आपको ये सामने नजर आ रहा है कि ये 40 है और आपको ये आइडिया हो रहा है कि बिल्कुल इसकी बैक साइड के ऊपर जब आप लेफ्ट साइड से देखोगे तो वो भी 40 ही होगी डायमेंशन। ठीक है, अब 40 जो डायमेंशन है उस साइड से आपको 40 मैक्सिमम एक्स के अंदर डायमेंशन मिलेगी। ठीक है, तो आपने एस डॉट बी एक्स जो है ना वो वैल्यू लेनी है, आपने कितनी लेनी है 40। सही है, तो एक्स की आप टोटल डायमेंशन यहां से निकाल सकते हैं, यानी टोटल लेंथ आप निकाल लोगे और एक्स की वैल्यू निकल आएगी, एक्स इज इक्वल टू टोटल लेंथ माइनस फ्रंट व्यू का एक्स और साइड व्यू का एक्स, इनको ऐड करेंगे लेंथ में से माइनस करेंगे, 3 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बेटा, इसी तरीके से अब आपने मुझे बताना है वाई डायरेक्शन के लिए आप कैसे डिवीजन करोगे। सबसे पहले आपके पास टोटल हाइट आ जाएगी, वो आपने निकाल के साइड पे लिख लेनी है। उसके बाद आपको चाहिए फ्रंट व्यू का वाई डायरेक्शन, फ्रंट व्यू में वाई डायरेक्शन की क्या वैल्यू है कौन बताएगा। रास्ता भी खराब है नहर नहर वाला। नहीं जो विहाड़ी चौक से नहर है ना वो साफ है। हाँ जी, ये विहाड़ी चौक से जो जाती है ना, मैं अगली नहीं नहीं वो तो बड़ा खराब रास्ता है। एक दफा मैं लेती हूं वो बड़ा। हां जी बेटा 28 आप सबको पता चल रहा है 28 का। हां जी, हां ये चौक घुमाना थे आगे जाकर निकला या कुछ सही है। जी बेटा मैंने आपसे ये पूछा था के फ्रंट व्यू का वाई डायरेक्शन के अंदर क्या डिस्टेंस होगा।
और मुझे बड़े इसमें जो है ना डिफरेंट आंसर आ रहे हैं, मुझे कुछ लोग 34 कह रहे हैं। फ्रंट व्यू बेटा, फ्रंट व्यू आप बिल्कुल फ्रंट से देख रहे हो तो वाई डायरेक्शन में क्या डिस्टेंस बनेगी, ये 28 बनेगी बेटा। 34 वाले जो है ना वो इसको थोड़ा रिविजिट करें, थोड़ा गौर करें, 34 नहीं बनेगा। 34 मुझे नहीं पता आप किस तरफ से निकाल के ला रहे हो, ये 28 बनेगा। ठीक है, 28 कैसे बनेगा ये भी डायमेंशन आपको हर चीज गिवन है तो वहां से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सॉरी 28 प्लस 6, 28 ये है और नीचे भी है एक, ये कितना है जी, ये 6 है, तो 28 प्लस 6 34 बनेगा। हाँ जी 34 वाले राइट है बेटा, 34 इज करेक्ट। ठीक है बेटा, 34 इज करेक्ट। वो क्यों? क्योंकि 28 जो है ना वो आपको कंप्लीट वाई डायरेक्शन नहीं दिखा रहा, उसके नीचे भी वाई में कोई चीज अवेलेबल है, तो वो मिला के टोटल जो डिस्टेंस बनेगा वो आपने वहां से माइनस करना है। 28 प्लस 6 ये बन जाएगा 34। वेरी गुड बेटा, 34 वाले गुड। अच्छा, उसके बाद हमने देखना है हमारे टॉप व्यू का वाई डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस है। टॉप व्यू क्या बनेगा, बिल्कुल यहीं से आप टॉप पे चले जाओ। अब देखो कि इसका y डायरेक्शन में क्या डिस्टेंस बनेगा। जी इम्तियाज आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बेटा, 40 बनेगा। वेरी गुड जी बेटा, वेरी गुड, सही है बेटा। अब आपको ये आइडिया हो गया कि इनकी डायमेंशंस को किस तरीके से देखना है, ये पहला स्टेप होता है। ठीक है जी, ये पहला स्टेप होता है। इसके बाद आपने डिवीजन कर ली, डिवीजन के बाद आप इस स्टेप के ऊपर पहुंच चुके हो जिसपे आपको फ्रंट व्यू, साइड व्यू और टॉप व्यू और साथ में टेबल वॉक आपका कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद आपने क्या करना है, अब आपने एक एक डायमेंशन को देखना है और ड्रॉ करना है। ये प्रोसेस जो है ना, इससे आगे वाला प्रोसेस ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ये जब आप यहाँ पे आ जाओगे आपको प्रोजेक्टर के ऊपर दिखाऊंगा और साथ साथ समझाऊंगा। ठीक है, फिगर आपने यही बनानी है, ये जो आप बिल्कुल सामने देख रहे हो, सही है, ये वाली जो फिगर है ये आपने बनानी है जब आपने यहाँ पे आना है। ठीक है, इसके आपने व्यूज ड्रॉ करने हैं और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट चलेंगे। ठीक है, अभी आप फिलहाल इसी को जेहन में रखो और आपने एक शीट फिलहाल तैयार करके लानी है, नेक्स्ट शीट के लिए आपको मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर बता दूंगा। ठीक है जी, तो ये हमारा जो है ना वो आज का सेशन है जो कंप्लीट होता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्लास में जब आपने आना है तो आपके पास ड्राइंग शीट होनी चाहिए, ड्राइंग टूल्स होने चाहिए और आपने आपने जो शीट है उसके ऊपर बना के लाना है टाइटल ब्लॉक और आपने जो है ना उसके ऊपर वो करके लानी है कंप्लीट, क्या कहते हैं उसे, बॉर्डर लाइंस। उसके बाद जब आप यहाँ पे आओगे आपने आते ही डिवीजन करनी है शीट की एक्स में वाई में और उसके बाद आपने शीट के ऊपर जो है ना वो व्यूज को ड्रा करने का प्रोसेस करना है, वो हम यहाँ पे शेयर कर देंगे आपके साथ जब आप नेक्स्ट क्लास के अंदर आओगे। हाँ जी, ये मैं वीडियो डाल दूंगा यूट्यूब पे और लिंक आपके साथ OCW पे शेयर कर दूंगा, वो आपने देख लेना। इसके अलावा बेटा आप अपने LMS को, हर बंदा अकाउंट को देखे, उसमें मैंने कुछ अपडेट्स डाली है तो वहां पे आप जो है ना चीजों को देखते रहोगे। वहीं पे मैंने आपको असाइनमेंट देनी है, वहीं पे आपको क्विज देना है, ये चीजें मैं आपको हर दफा रिमाइंड नहीं करवाऊंगा, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप टाइम टू टाइम LMS चेक करते रहो। ठीक है बेटा, अभी हम यहाँ पे अपना सेशन कम्प्लीट करते हैं और नेक्स्ट क्लास के लिए फिर अल्लाह हाफिज। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं बेटा। अच्छा, पेंसिल यूजेज का बेटा जो मसला है ना, देखें इसके लिए आपको जाना पड़ेगा मेरी पहले वाली जो बिल्कुल पहली जो मैंने आपको स्लाइड शेयर की हुई है LMS के ऊपर। LMS पे जाएं, वहां से वो स्लाइड फर्स्ट लेक्चर की डाउनलोड करें। उसके अंदर एक स्लाइड स्पेशल मैंने सिर्फ इसी चीज के लिए बनाई थी कि कौन सी लाइन किस मकसद के लिए ड्रॉ करते हैं और उसमें पेंसिल कौन सी यूज होती है। ठीक है, तो ये चीज आपने देख लेनी है, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अटेंडेंस जो है ना वो CR अगर यहाँ पे हमारे साथ अवेलेबल है तो ये CR अपनी जो है ना अटेंडेंस इंश्योर कर ले अपने पास, जितने स्टूडेंट आए हैं इसमें वो अपने पास लिख ले और बाद में फिर मैं ले लूंगा CR। ओके सर। हाँ, आप यहीं पे हैं बेटा? यस सर। हाँ उस्मान बेटा, आप ले लो सबकी ना अटेंडेंस ले लो और अपने पास रिकॉर्ड रखते जाओ। ठीक है, ये मैं फिर आपसे बाद में ले लूंगा। चलें जी, ये टाइटल ब्लॉक की बात कर रहे हैं, चलें टाइटल ब्लॉक आपको दिखा रहा हूँ मैं।
एक मिनट जी, टाइटल ब्लॉक के लिए किसी ने कहा है कि मैं टाइटल ब्लॉक दिखा रहा हूँ आपको। जी बेटा अब बताए, बेटा आप बोल के बता सकते हैं, अपना माइक जो है ना अनम्यूट कर लें और बोल के बताएं आपका क्या क्वेश्चन है, ताकि जल्दी से हम इसको कवर कर सके, लिखने में टाइम लग जाता है। सर मैं सर एक एक टाइम में एक बंदा बोले। जी जी बेटा जी बोले। सर मैं कहना चाह रहा हूं, नाम बताएं अपना। सर मैं सुभान बात कर रहा हूं जी। जो सर आपने सर्कल और कोन बनाई है, इसकी डाइमेंशंस क्या होंगी सर? सर्कल कितने डायमीटर का और ये बेटा, इसकी डाइमेंशंस नहीं होती क्योंकि ये जस्ट एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है? यस सर। और अच्छा, हम इसको ड्रा कैसे करेंगे, ये आपका क्वेश्चन, ठीक है? आप सर यही पूछना चाह रहा हूँ। ये हाँ, ये आप नीचे आ जाओ, अभी आपको नजर आ रही है एक स्लाइड? यस सर। अच्छा, इस स्लाइड के अंदर आपको कौन कौन सी चीजें क्लियर हो रही है? इसमें जो है ना आपको डायमेंशन दी हुई है, ओडी बताया हुआ है और जिस ओडी लिखा हुआ है इसको, ठीक है? आपने इसको ये करना है कि आपकी जो टोटल जो यहाँ पे बनती है ना डायमेंशन, फॉर एग्जांपल इसके ऊपर अगर हम आते हैं, आपको पता है कि ये अंदर 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 जो है ना ये 16 मिलीमीटर है, ये वाली स्पेस वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर अगर देखें, क्योंकि जब आप टाइटल ब्लॉक ड्रा करते हो तो आप जो अंदर वाली ये जो जहाँ पे ये सिंबल बनी हुई है ना, इसमें वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर जो टोटल डिस्टेंस है वो 16 मिलीमीटर है। अब आपने इसमें करना ये है कि आपने जो है ना वो 1 मिलीमीटर टॉप से छोड़ देना है, 1 मिलीमीटर बॉटम से छोड़ देना है, ठीक है? और ये ओडी जो है वो बन जाएगा 14 मिलीमीटर का। कितना बन जाएगा? बेटा आप सुभान, आपको आवाज आ रही है मेरी? यस सर आ रही है। हाँ जी, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इस स्पेस के अंदर जहां पे आपने ये डायमीटर्स ड्रॉ करने हैं, उसमें आपने ये चीज, आपको पता है कि ये 16 टोटल वाई के अंदर है, सही? अच्छा, अब आपने ओडी 16 ले लेना, 14 ले लेना, ठीक है? ओडी आपका हो गया 14 मिलीमीटर, और आईडी जो है वो आपने 33 एमएम मजीद छोड़ देना, 3 एमएम ऊपर से 3 एमएम नीचे से, ये कितना बन जाएगा? 6 मजीद माइनस कर देंगे तो 8 एमएम बन जाएगा, ठीक है जी? अच्छा, उसके बाद आप आ जाए कोन के ऊपर। कोन आपको पता है कि कोन की जो स्ट्रेट लाइंस हैं ये 30 एंगल के ऊपर है, इसका एंगल है 30 डिग्रीज, और जो इसका डायमीटर है स्मॉलर वो 8 एमएम है, और जो लार्जर है वो 14 एमएम है, और इसकी जो लेंथ है वो आपने कितनी रखनी है, ये आपको डिफाइन कर देता है एंगल। 30 डिग्री का जब एंगल लगाओगे आप, तो वो आपको बता देता है कि आपने 16 mm कहाँ पे जाके लगाना है, ठीक है? या आप स्लांट हाइट वैसे निकाल भी सकते हैं, इसके लिए फार्मूला होता है, लेकिन उसके अंदर आप बेशक अभी ना जाओ। आपने सिर्फ ये आउटर डायमीटर और इनर डायमीटर, ये दो वैल्यूज और 30 डिग्री एंगल, ये जब आप एंगल के ऊपर लाइन लगाओगे ना, कोई भी एक डायमीटर लगाओ, ठीक है? और एंगल के ऊपर आपने एक लाइन, दोनों लाइन लगा देनी है, ठीक है? 30 डिग्री के ऊपर ऊपर भी और 30 डिग्री वाली नीचे भी। उसके बाद आपने देखना है कि सेंटर से 14 आपने लगाना है, 7 ऊपर 7 नीचे कहाँ पे पूरा हो रहा है। सेंटर लाइन सबसे पहले आप लगाते हो, उसकी बेसिस के ऊपर आप ये डिफाइन करोगे 14 कहाँ पे लगेगा। ये आप जब आओगे यहाँ पे तो मैं आपको एक दफा फिर एक्सप्लेन कर दूंगा, यहाँ पे ये थोड़ा सा मुश्किल लगेगा आपको, लेकिन ये इतनी मुश्किल चीज है नहीं, ठीक है? सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, इसमें इतनी ज्यादा जो है ना इसको डिटेल में पढ़ने की आपको जरूरत भी नहीं होती, सिर्फ इसकी डायमेंशन डिफाइन हम कर देते हैं, मजीद आपको समझा भी दूंगा। 14 और 18 के डायमीटर्स हैं और एंगल है 30। ड्रा कैसे करना है ये मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा जब आप लोग आओगे, ठीक है? और इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो बताएं। सर जी बेटा, सर हम बात कर रहे हो, सर जो लास्ट स्लाइड है इसमें जो एक्स की वैल्यू फाइंड करना है, सर वो पॉइंटर से आप बता दें कि मतलब लेफ्ट बॉर्डर से राइट बॉर्डर के दरमियान मतलब पूरी एक्स की वैल्यू लेनी है, या जो एक्स मतलब वो छोटे छोटे पार्ट्स बनाए हुए हैं कि ये एक्स की वैल्यू है, ओवर लेनी है? देखिए दो चीजें हैं एक्स डायरेक्शन के अंदर, दो चीजें, एक है टोटल लेंथ, वो टोटल लेंथ भी आपने लेनी है, दूसरी जो चीज है वो है आपकी जिसे आप कह रहे हैं, ये देखिए यहां से लेके अगर आप यहाँ पे देखो जरा, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये है आपकी टोटल लेंथ, ठीक है बेटा? अब आपने बताते जाना है, पता चल गया इसका? जी सर। ये है टोटल लेंथ, टोटल लेंथ भी फार्मूला में यूज होती है,
इसके अलावा ये एक्स की वैल्यू, ये एक्स की वैल्यू और ये एक्स की वैल्यू सेम होती है, सेम होती है क्योंकि हम जो डिस्टेंस आता है उसको थ्री पे डिवाइड करते हैं, वो ये तीन हिस्से वो बनते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये फ्रंट व्यू है और ये साइड व्यू का एक्स है, ये लेदर लेदर है, ये आपको ड्राइंग से पता चलती है। इसी तरीके से वाई में आपने जाना है, ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? जी सर हो गया। और कोई क्वेश्चन है तो बताएं। सर टाइटल बॉक्स में डेट क्या लिखनी है? टाइटल बॉक्स में डेट वो लिखनी है जिस डेट को आप ड्राइंग बना रहे हैं, वो डेट लिखनी है। बैक पूछते हैं कि वी इफ वी यूज कोन फ्रॉम राइट साइड, इफ यू सी द कोन फ्रॉम राइट साइड देन व्हाट इज सर्कल। बेटा राइट साइड से इसको देखना ही नहीं है, आपने हमेशा इसको लेफ्ट साइड से देखना है। जो फर्क आएगा वो सिर्फ आएगा ड्रा करने का। लेफ्ट साइड से देखा, लेफ्ट साइड पे ड्रा किया तो ये बन जाएगा थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। लेफ्ट साइड से देखा, राइट साइड पे ड्रा किया तो ये बन जाएगा फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। राइट साइड से कोन को कभी भी देखना, लेफ्ट साइड से ही देखना। और बेटा ओके सर, ठीक है जी। और तो नहीं है किसी का क्वेश्चन? चले अच्छी बात है। चले जी, आज का ये सेशन हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट टाइम हम जो है ना फिर आगे लेके चलेंगे इसको इंशाल्लाह, हमारा जो लाइव सेशन होगा। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज सर। थैंक यू सर।